ऑफ स्टंप से बाहर, स्ट्रेट अवे गेंद को ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट और पहली गेंद पे पहला रन। व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ हमडिंगर। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं क्या उमदा बॉल किया, बाउंसर किया और सीधा जो हेलमेट के ऊपर लगा। तो हेलमेट पे जब भी बॉल लगता है तो फिर थोड़ा सा जो है बैट्समैन को ट्रबल होती है सेटल होने के लिए, तो वही देखने को नजर आया, बहुत ही उमदा बॉल। या बिल्कुल, उसका कंकशन टेस्ट एक तरह से किया जाता है, उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि वो मेंटली पूरी तरह से जा। ओ अच्छी गेंद, एंड गॉट हिम। जी हाँ, राणा आए और विकेट लाए, एक तरफ राणा विकेट ले रहे हैं और दूसरे राणा जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन इस पे एक्सपर्ट राय देनी होगी अदनान अकमल को। बहुत ही अच्छा बॉल किया, पहला ही बॉल जो है वो स्टंप्स में की। यहाँ पे अगर इन स्विंग बॉल है, फुल लेंथ वाला बॉल अगर आप क्रॉस ही लाएंगे, देखें बिल्कुल बहुत ही अच्छा बॉल किया था, स्टंप्स में फिनिश हुआ और वहां पे क्रॉस खेलने गए और जहां पे वो बॉल मिस कर गया। इस मरतबा ऊंचा खेले, फील्डर गेंद के नीचे और कैच करने में कामयाब हुए, एक और कामयाबी यहाँ पर इस्लामिया कॉलेज को, टाउनशिप की दूसरी विकेट गिरी, हम्माद को वापस जाना पड़ेगा महज 3 रन बनाकर और अब 11 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हैं टाउनशिप कॉलेज के। यहाँ पे देखे तो बड़ा अच्छा बॉल किया, थोड़ा सा बाउंस था, बैकफुट बॉल था, इसको जो है कट खेलना चाह रहे थे, टॉप एच लगा और कवर के फील्डर ने बहुत ही अच्छा कैच किया और कैच पकड़ने के बाद उन्होंने जो और यहाँ बड़ा खराब शॉट, क्योंकि मिड ऑफ मौजूद था, सीधा उनके हाथों में एक और विकेट यहाँ पे मिली और इस तरह जो आप कह रहे थे कि अगर विकेटों में गेंद करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ पे एक और विकेट निकल आई है और अब 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। कहीं ना कहीं टाउनशिप कॉलेज पूरी तरह से दबाव का शिकार। यहाँ पे देखे तो बड़ा अच्छा बॉल किया, थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल था, उसको जो है मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाह रहे थे और पूरा तो इजीली आप 55-50 रन्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल के कीमती रन्स होंगे और बैटिंग साइड खुशी से इन 5 रन्स को कबूल करेगी, वे डाउन द लेग साइड, 5 फॉर द वाइड, गॉट दैट वन अवे, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर निकल जाएगी रोल करते हुए 4 रन के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा शॉट खेला, थोड़ा सा फुल लेंथ बॉल था, उसको पूरा उठा के मिड ऑफ के ऊपर से, यहाँ पे देख सकते हैं तो पूरा मुंह में बॉल था, उसको उठा के जो है क्योंकि सर्कल में खड़ा हुआ था मिड ऑफ का फील्डर और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाउंड्री मिली। जी और इसी के साथ 5 ओवर्स का खेल भी मुकम्मल हुआ, 28 for 3। तो लग रहा है कि शायद रोक सकते हैं, इस दफा इसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब, एक बड़ा गैप वहां पर मौजूद था, ये 4 रन हासिल किए, ये वेलकम बाउंड्री है टाउनशिप और यहां पर फैमिलीज भी इस क्रिकेट को एंजॉय कर रही हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे। ये देखिए दोबारा, थोड़ा सा बॉल बाहर था लेकिन उसको बैटर ने खींचा मिड विकेट की तरफ जो कि उनको एक गैप नजर आया। ऊंचा खेले इस दफा इसको और 2 फील्डर गेंद के नीचे, ये कैच गिरा दिया, इस दफा सही तौर पर वो गेंद के नीचे नहीं आए, ये मौका मिला तो फिर आप जीत की तरफ जाते हैं। ये देखिए कैच ये करना इजी नहीं होता लेकिन इजी तब बन जाता है अगर आप फौरन से बॉल के नीचे पहुंच जाएं। आप एक इस गेंद को ऊंचा खेले, फील्डर मौजूद और उन्होंने गेंद को ग्रैब किया, एक और कामयाबी यहां पर, अब हसन है वो कामयाब बॉलर जिन्होंने विकेट हासिल की अब्दुल्ला की और अब्दुल्ला 11 रन बनाकर वापस लौटेंगे। यहां पे देखे तो बड़ा ही अच्छा बॉल हसन अली ने किया, थोड़ा सा बॉल स्टंप्स में था, उसको डिफरेंट शॉट खेलना जा रहे जैसे हेलीकॉप्टर शॉट कहते हैं और इस तरह एलिवेशन नहीं मिला। बाहर निकले, गेंद को उठाया, लॉन्ग ऑन ने कोशिश की गेंद को कैच करने के मगर बेसुध, गेंद बाउंड्री से बाहर, एक मच नीडेड छक्का। यहाँ पे देखे तो अप्रिशिएट करते हुए क्योंकि काफी देर बाद बाउंड्री इनको मिली है, यहाँ पे फुल टॉस बॉल था, उसको निकल के जो है वो हिट किया मिड ऑन के ऊपर से, बॉलर के हेड के ऊपर से, अच्छी ट्राई थी फील्डर की तरफ से और स्क्रीन को लीडिंग एज लगा और अपने फॉलो थ्रू में कैच करने में कामयाब।
अमीर हमजा ने अपने फॉलो थ्रू में बड़ा अच्छा कैच किया और एहतिशाम 8 रन बनाकर आउट हुए और 69/4 टाउनशिप कॉलेज अब बढ़ के हो गया 69/5। यहाँ पे देखें तो फुल टॉस बॉल था, इसको क्रॉस ही लाइन खेलने गए यहाँ पे और आउटसाइड एज लगा और अपनी ही बॉल पे कैच किया, बड़ा अच्छा कैच। इस गेंद को ऊंचा खेले, खतरे में है बैट्समैन, फील्डर गेंद के नीचे आए, कैच लेने में कामयाब हुए, एक और नुकसान यहाँ पे हुआ। अब वेल सेट बैट्समैन हमाद 25 रन बनाकर वापस जा रहे हैं, हसन को मिली है एक और कामयाबी और 71/6। यहाँ पे देखें तो थोड़ा बॉल खिंचा हुआ था, उसको उठा के खेलना चाह रहे थे, बॉटम एज लगाओ और सर्कल के अंदर ही मिड ऑफ पे फील्डर थे और बड़ा अच्छा कैच किया, क्योंकि लाइट्स में कैच करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी अच्छा लगा, शायद उनके आंख में कुछ गया है। ये गेंद एक लूजनर, इसको उठाकर खेले लेकिन फील्डर इस दफा गलती कर गए, गेंद क्या ये इस तरह दो रन हासिल किए, गेंद प्रॉपर लेंथ पर नहीं थी, इसको बाउंड्री में कंसीड किया जा सकता था। ये कैच ड्रॉप हुआ, ये इसको दोबारा देखते हैं अगर रिप्ले हम देख सकें। जी बॉल बहुत पीछे गिरा हुआ था, बैटर ने अच्छा उसको पिक किया लेकिन प्रॉपर उसको नहीं हिट आउट कर सके। ये बेहतर बॉल था आउटसाइड ऑफ स्टंप। और जो आसिफ जो कैच भी ड्रॉप हुआ है फील्डर से, कैच थोड़ा तेज था, ओवर रन कर गए थे और मुझे लगता है उनके स्पाइक्स का ये देख सकते हैं आप, ये भागते हुए उन्होंने रन भागते हुए उन्होंने कैच पकड़ना चाहा और यहाँ कदमों का इस्तेमाल। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, एक आसान स्टंपिंग चांस, हमाद मुस्तफ़ा ने कोई गलती नहीं की और ये 7वीं विकेट गिर गई अब गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप की। अपने राइट एरिया का जो बॉल हो मेरे ख्याल में उसको मिस नहीं करना चाहिए, उस पर फुल स्विंग इनको बैट जो है वो घुमाना चाहिए ताकि कोई ना कोई बाउंड्री जो है वो आ सकती है, बहुत जरूरी है। ये राइजिंग डिलीवरी एक दफा और कॉट बिहाइंड की अपील, ये विकेट हासिल कर ली अली असगर ने, बहुत ही शानदार गेंद, मोहसिन इस गेंद को बिल्कुल भी संभल कर नहीं खेल पाए, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर हमाद मुस्तफ़ा ने, एक और विकेट। ये अच्छा बाउंसर अच्छी पेस के साथ, बहुत यूजफुल रन होंगे, जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया है, इसको स्क्वायर लेग की जानिब खेला और फील्डर इसको रोकने में नाकाम रहे, ये वेलकम बाउंड्री टाउनशिप कॉलेज के लिए। अच्छा गैप देखा अली ने, यही चीज़ हम बात कर रहे थे कि जब बल्लेबाज जो है वो थोड़ी सी, ये देख सकते हैं आप, जब बल्लेबाज जो है थोड़ी सी बहादुरी दिखाते हैं तो उनको जरूर बाउंड्री मिलती है और फील्डर ने कोशिश पूरी की, एतमाद जरूर बढ़ा होगा। जी हाँ, ये आउटसाइड एज और देखना ये है कि ये मजीद 4 रन मिले और यकीनी तौर पर ये लाइन है यहाँ पर बॉल करनी है, इसको खेला मिड विकेट पर और इस दफ़ा कोई गलती नहीं की फील्डर ने, फंबल जरूर हुआ था लेकिन ये विकेट हासिल कर ली। अच्छा कैच, फील्डर ने कोई गलती नहीं की, बॉलर की अच्छी बात कि उन्होंने अच्छी जगह पे बॉल किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहा लेकिन लास्ट ओवर्स हैं, बैटर को हिट आउट करना था। ये देखिए बैटर ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो प्रॉपर इसको बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सके और हमाद मुस्तफ़ा को इम्तिहान में डाल दिया था। इस दफ़ा ऊंचा खेले, देखना ये है कि ये मैच का पहला छक्का होगा, फुल टॉस और इस दफा इसको खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, ये तीसरा छक्का इस मैच का, शानदार बल्लेबाजी। 3 गेंद करेंगे इस दफा, कदरे बेहतर गेंद, 1 रन हासिल किया पहली गेंद और इसको सॉफ्ट हैंड से खेला, ऊंचा खेले इस दफा टॉप एज, विकेट कीपर खुद यहां पर नीचे आए और ये पहली विकेट हासिल कर ली कप्तान शहजाद ने, ये दौड़कर ये कैच हासिल किया, तो इस तरह पहली कामयाबी हासिल हुई है यहाँ पर टाउनशिप कॉलेज की टीम को। यहाँ पे तो देखे थोड़ा सा लाइन से क्रॉस खेलने गए, थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़्यादा बैट क्लोज कर दिया जिसकी वजह से टॉप एच लगा और कितना अच्छा कैच किया विकेट कीपर ने। इस तरह के कैचेस आपको मैच जितवाएंगे और इस तरह की विकेटें जो है अगर गंवाते रहे। उमर को बोल्ड कर दिया, शानदार डिलीवरी, ये गेंद इस दफा पढ़ने के बाद अंदर आई और यही बात अदनान अकमल अब से कुछ देर पहले कर रहे थे।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस तरह के बॉल इनको करने पड़ेंगे अगर आपने मैच जीता है, लो टोटल है। और इस तरह आते ही हमने बात की थी कि जो न्यू बैट्समैन होता है उसको अंदर बॉल लाया जाए तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं लेग बिफोर बोल्ड होने के। और कितना अच्छा बॉल किया है और बहुत ही अच्छी विकेट मिली और ये प्रेशर बनेगा बैटिंग के ऊपर। एहतिशाम ज़ाफ़रान गोल्डन डक पहली गेंद पर बोल्ड हो गए, ये गेंद आउटसाइड एज और ये स्लिप और गली के दरमियान से गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब चली गई चार रन के लिए। यहाँ पर दूसरी स्लिप मौजूद होती तो यकीनी तौर पर कोई चांस बन सकता था। यहाँ पे देखे तो बड़ा अच्छा बॉल किया, ड्राइव करना चाह रहे थे और स्लिप के पास से जो है चले गए। हमेशा गली वहां पे रखी जाती जहां पे बैट्समैन जो है बॉल कर दिया। एक और शानदार डिलीवरी, इस दफा ये ऑफ स्टंप पर डिलीवरी थी, बल्लेबाज इसको क्रॉस खेलने के लिए चले गए। एक और शानदार विकेट हासिल की, दबाव बढ़ता हुआ इस्लामिया कॉलेज पर और टाउनशिप कॉलेज के खिलाड़ी खुशियां मनाते हुए। यहाँ पे देखे तो पूरा फुल लाइन बॉल था, स्टंप्स में क्रॉस ही लाइन खेलने गए, ये कवर में खेलने वाला बॉल था। अगर इस तरह के बॉल को आप छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल होगा। प्रैक्टिस करते हैं या जो कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं उनमें बहुत फर्क है। इस दफा इसको कट किया और थर्ड मैन पर फील्डर ने डाइव करके इसको रोकने की कोशिश की। इस गेंद को ऊंचा खेले और खूबसूरत खेले, देखना होगा क्या गेंद स्ट्रेट अवे रस्से पे आके लगी है या अंदर टप्पा गया। जी हाँ, स्ट्रेट अवे रस्से पे छक्का है, काउंटर अटैक। आइए दोबारा देखते हैं शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट खेली है बासित ने। बॉल थोड़ा आगे गिरा हुआ था, अच्छा उनके जोन में आ गया, मिड ऑन का फील्डर भी ऊपर था, उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और इसको 6 रन्स में कन्वर्ट कर दिया। बासित ने एक अटैकिंग और दलेराना स्ट्रोक खेला और स्मर्थवा गेंद को हुक करने में कामयाब हुए। उस जानिब फील्डर है, ओ गेंद उनसे गिर गई नीचे और एक मौका जो था वो ग्रैब नहीं हो सका। बॉलर ने बहुत अच्छा बॉल किया, प्रॉपर जहां उन्होंने फील्ड रखी हुई थी शॉर्ट पिच बॉल किया, लेकिन फील्डर वही चीज क्विकली जो है वो बॉल के नीचे नहीं आई। ये देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत बॉल, अकॉर्डिंग टू फील्ड उन्होंने बॉल किया, जहां वो चाहते थे कि बैटर खेले बैटर ने एग्जैक्टली वहीं खेला, लेकिन फील्डर भाग के जो है बॉल के नीचे नहीं आए और रनिंग में ही थे और कैच थोड़ा अवे हो गया, प्रॉपरली उसको ग्रैब नहीं कर सके और नुकसान नहीं हुआ। रन देने में कटली एम्ब्रोस, इस गेंद को ऊंचा खेले, विकेट कीपर नीचे, विकेट एक और गिरी है, यहां पर चौथा नुकसान हो गया और दाऊद अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने में कामयाब। उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा यहां पर टाउनशिप का, बहुत अच्छा बॉल, थोड़ा स्लो बॉल था, दाऊद की पेस थोड़ी स्लो है, बाकी जो जिन्होंने न्यू बॉल किया है अली और उमर ने, ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा स्लो बॉल किया अपनी तरफ से उन्होंने शॉर्ट पिच और बड़ा तेज किया, लेकिन विकेट से स्लो निकला और अच्छा कीपर के हाथ में सीधा कैच। जी हाँ, उसके बाद उनकी जुबिलेशन देखने से ताल्लुक रखती थी। फ्रंट फुट पे खड़े के खड़े रह गए और कुछ इस तरह झुकते हुए, मोहम्मद आसिफ की गेंदों पे जिस तरह बैट्समैन बोल्ड हुआ करते थे, अंदाज ये रहा है बैट्समैन का बोल्ड होने का और 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। बहुत खूबसूरत बॉल, ये देखिए कितना खूबसूरत हल्का सा बॉल निकला है, स्लाइटली सा बाहर निकला है, स्लो था बैटर जो है वो लाइन को और बड़ी अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हल्का स्निक लगा एंड विकेट कीपर डिड द रेस्ट, अनदर विकेट गोज डाउन। आइए दोबारा देखते हैं, ये बहुत खूबसूरत बॉल राइट एरिया पे और जो हल्का सा सेम वही चीज, हल्का सा छोटा स्विंग हुआ और इस मर्तबा गेंद को खेले और अच्छा खेले और ये एक वेलकम बाउंड्री मिलेगी बैट्समैन को आउटसाइड द ऑफ स्टंप, विड्थ मौजूद थी, ताहा का चौका। आइए शॉट दोबारा देखते हैं, ताहा का बहुत खूबसूरत शॉट, बॉल थोड़ा सा पीछे था और ताहा ने उसको अच्छा प्लेस किया, सिर्फ टाइम किया और गैप तलाश किया और बहुत बड़ा गैप था। जी हाँ, और बॉलर को भी अंदाजा हो गया था जब ये स्ट्रोक लगा कि उनसे गलती हो चुकी है, बोल्ड कर दिया, ये इस दफा गुगली थी और ये खुशी, ये मुसर्रत यकीनी तौर पर हमजा की शानदार गेंद, ताहा इस गेंद को बिल्कुल पढ़ नहीं पाए और अपनी विकेट गंवा बैठे। बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा बॉल किया और बिल्कुल स्टंप्स में बॉल किया, वहां पे बैटर जो थे यहाँ पे देख सकते हैं तो बड़ा ही अच्छा गुगली बॉल किया,
फ्रंट फुट पे बॉल खेलने वाला है तो उसको बैक फुट पे खेले, जिस बेसिक्स के आए क्रिकेट की वो इनको गाइड करें। और अगर फील्डिंग की बात करें तो अच्छा यहाँ पे स्टंप आउट किया विकेट कीपर ने, फुल टॉस था, उसको मिड विकेट पे खेलना चाह रहे थे और यहाँ पे स्टंप आउट कर दिया। 8 खिलाड़ी आउट हो गए 55 रन पे। एक चीज अहम है, यकीनी तौर पर खुशियां मना रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तो बड़ा अच्छा बॉल किया फ्लैट के साथ किया, उसको क्रॉस दी लाइन खेलने गए, यहाँ पे लाइन से बाहर पांव था और बड़ा अच्छा ग्लव्स वर विकेट कीपर का, ऑन द लाइन अगर आपका पांव है तो फिर आप स्टंप आउट हो जाएंगे, वही देखेगा और बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। बहुत अच्छी बॉलिंग और इस मरतबा गेंद को लॉफ्ट किया, फील्डर जरूर बैक पैडल कर रहे हैं मगर बेसुध, और इस मरतबा विकेट कीपर के पास मौका और उन्होंने उस मौके का फायदा भी उठाया और एक और नुकसान इस्लामिया कॉलेज को। बैट्समैन एक छक्का मार गए थे मगर दूसरे छक्के की ख्वाहिश उनकी ख्वाहिश ही रहेगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कर ख्वाहिश पे दम निकले की तरह और वो आउट होकर वापस जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा बॉल था और कीपर ने क्विक बस ये मरता, उन्होंने तो अटेम्प्ट किया बड़ा मगर मिड ऑन को बीट नहीं कर पाए, कुछ हिचकिचाहट, ओ ओ माय गॉड, ओ ओ क्या हो रहा है। एट द एंड बहुत फील्डर्स ने भी कोशिश की कि वो पलट आए अपनी अपनी क्रीजों में मगर बैट्समैनों ने भी ये तहिया कर रखा था, मुसम्मम इरादा कर रखा था कि अब आउट होना ही है और 71 रन पे पूरी टीम आउट हो गई है। इस तरह यहाँ पर टाउनशिप कॉलेज ने 47 रन के अच्छे खासे मार्जिन से मुकाबला जीत लिया। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बैट्समैन एक दूसरे के आसपास हैं, यहाँ फील्डर Yes, done it, और उसके बाद उन्होंने खुशी मनाना जो है वो शुरू की। बहरहाल बड़े ज़बरदस्त अंदाज में टाउनशिप कॉलेज ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुआ, इस्लामिया कॉलेज 71 रन्स बनाकर यहाँ पर जो है वो